नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश और बता दें यहाँ पर खड़कवासला बांध में मूठा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से निचले स्तर में भयंकर बाढ़ आ चुकी है। बता दें आपको, शहर में बाढ़ का कहर बरपने से लोगों में त्राही त्राही हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मुंबई, पुणे, नासिक और सतारा की, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। बता दें आपको, इस वक्त श्रीगढ़, एकता नगर और आदि इलाकों में सोसाइटियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर पानी जो है यहाँ पर घुस चुका है। इन इलाकों में बाढ़ प्रभावितों को निकालने के लिए भारतीय सेना के 105 जवानों को तैनात किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भारतीय जवान 105 है तो ये तबाही कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक जवान जी हाँ 100 के बराबरी होता है। और सोचिए, 105 जवानों की फौज यहाँ पर तैनात की गई है ताकि पुणे में बाढ़ में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जी हाँ लोगों को तुरंत ही निकाल लिया जाए। बता दें यहाँ पे NDRF और SDRF की टीमें भी काम कर रही है। पुणे के बांध क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह से खड़कवासला में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है और जो पनसेत बरसगांव है वहां पर भी जी हाँ 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। यरवदा में 16 मिलीमीटर बारिश हुई है और मुलसी तहसील के कुंभेरी में भी 54 मिमी और तमहिनी में 31 मिमी बारिश हुई है और लवासा में 17। तो कहीं ना कहीं यहां पर बता दें भयंकर बाढ़ आ चुकी है और आप तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पुणे किस प्रकार से बाढ़ से प्रभावित है। बता दें आपको, कुछ दिनों पहले भी पुणे में कुछ इसी प्रकार की हालत हुई थी और एक बार फिर से पुणे में आज जो है अगस्त के महीने में जी हाँ एक बार फिर से जबरदस्त बरसात हो रही है और जल स्तर 65% तक जी हाँ बढ़ जा रहा है। यहाँ तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को जल्द से जल्द नहीं निकाला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का नुकसान और लोगों की जान पर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को तुरंत निकाला जाए। नासिक की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, नासिक में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कई बड़े बड़े मंदिर जो है डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।